जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत है SKT फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं KWN वर्सेस SVD का थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात कर रहे थे। 9 मई को 10 बजे को मैच स्टार्ट होगा, मतलब आज रात को 10 बजे को मैच स्टार्ट होगा। और वेन्यू के बारे में बात की, शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा UAE में खेला जाएगा। और वेदर के बारे में बात करें तो 1% भी बरसात होने का चांसेस नहीं है। मैं आपको वेदर के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, वेन्यू के बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब मैं आपको एक ऐप का नाम बताऊंगा, सब 100% मनी इजीली से एंड करेंगे, MyMaster11। आप MyMaster11 में 100% मनी इजीली से एंड कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में लो कॉम्पिटिशन होता है और आपको डेली 1 या 2 फ्री एंट्री भी मिलेंगे। आप 100% MyMaster11 मनी इजीली से एंड कर सकते हैं। और इस ऐप में आप ट्रेडिंग ओपिनियन भी आप कर सकते हैं। इस ऐप में आप 100% मनी इजीली सेंड कर। ट्रेडिंग ओपिनियन का मतलब, अगर आज RCB वर्सेस पंजाब का मैच हो रहा है, उस मैच में अगर आप RCB में विनिंग में अगर आप 10 रुपया लगाते हैं तो 100 रुपीज़ तक आप जीत सकते हैं इस मैच में। कमाल के ऐप है। 100% MyMaster11 मनी इजीली सेंड करेंगे। मैंने MyMaster11 का लिंक टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आप 100% MyMaster11 मनी इजीली सेंड करेंगे। अब KW वर्सेस SVW टीम का, दोनों टीम का प्लेइंग 11 का साथ साथ हर प्लेयर का आपको मैं स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले KWN टीम का प्लेइंग 11 में देखा है तो KWN टीम के लिए ओपनिंग में आएंगे के कलील और आई उला हक। ये दोनों प्लेयर्स ओपनिंग में आएंगे। दोनों प्लेयर्स का लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें, कलील इस टीम का विकेट कीपर है और इनका लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स देखा जाए, एक मैच इनको बैटिंग में चांस लेते हैं और एक मैच 5-32। लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो इनका एवरेज बैटिंग जा रहा है। इनको मैं 1 स्टार मार्क दे रहा हूँ, उनका कप्तान उसका टू में ट्राई कर सकते हैं। और आई उल्ला हक के बारे में बात करें, तीनों मैचेस में फ्लॉप गए हैं, एक मैच इनको भी बैटिंग में चांस लेते, एक मैच 7 और एक मैच में 1 रन में आउट हो गया। तो दोनों विकेट कीपर में देखा जाए तो कलील का देखा तो एवरेज ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन आई उल्ला हक फ्लॉप जा रहे हैं। इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर इनको आप ट्राई करने चाहते हैं तो आप, अगर आप 6 से 10 ग्रैंड लीग टीम खेलते हैं तो इनको आप 1-2 ग्रैंड लीग टीम में कप्तान वाइस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं इनको। और जेड जोएब खान के बारे में बात करें तो इनका लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स देखा, 68-28 रन प्लस 0 विकेट, 22 रन प्लस 0 विकेट। लास्ट 3 मैचेस में इनको बैटिंग तो कमाल करके, भले इनको विकेट तो नहीं मिला लेकिन बैटिंग 3 मैचेस में कमाल करके आ रहे हैं। इनको भी मैं 1 स्टार मार्क दे रहा हूं, इनको भी आप कप्तान इस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। और HA खान के बारे में बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में देखा 72-20 और एक मैच इनको भी डकआउट हो गया, लेकिन ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं, इनको भी 1 स्टार मार्क दे रहे हैं, इनको भी कप्तान इस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। और वाई खान के बारे में बात करें तो इनका लास्ट 3 मैचेस में देखा 11-29 और 0 रन प्लस 0 विकेट्स। इनका भी ठीक ठाक जा रहा है बैटिंग। और हुकमैन के बारे में बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में देखा था 1 विकेट, 70 रन प्लस 2 विकेट, 12 रन प्लस 0 विकेट। लास्ट 3 मैचेस इनको विकेट देखा था, विकेट इनको टोटल 3 विकेट मिला, बैटिंग में फ्लॉप जा रहे हैं। और आर मुस्तफ़ा के बारे में बात की तो लास्ट 3 मैचेस में देखा 0 विकेट, 0 रन प्लस 0 60 रन प्लस 0 विकेट, 79 रन प्लस 1 विकेट। मुस्तफ़ा को भी मैं 2 स्टार मार्क दे रहा हूँ, उनका कप्तान इस कप्तान में, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट 3 मैचेस में टोटल इनको 1 विकेट मिला और बैटिंग तो कमाल का किया है मुस्तफ़ा ने। और एविन तनवीर के बारे में बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 6 रन प्लस 0 विकेट, 14 रन प्लस 2 विकेट, 2 विकेट्स। तनवीर को देखा जाए तो टोटल इनको 4 विकेट मिला, बॉलिंग तो कमाल का कर रहे हैं। और MZ अली खान के बारे में बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में देखा था 23 रन प्लस 0 विकेट, 15 रन प्लस 0 विकेट और 3 रन प्लस 2 विकेट। लास्ट 3 मैचेस में देखा था इनको 2 विकेट मिला, बैटिंग भी ठीक ठाक करके आ रहे हैं तीनों मैचेस में। और बी इकबाल इस टीम का कप्तान है, उनका लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। इकबाल को टोटल लास्ट 3 मैचेस में टोटल 2 विकेट मिले। और ये अली सहार के बारे में बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में 0 विकेट 11 रन और 70 रन प्लस 1 विकेट लें। अली को लास्ट 3 मैचेस में टोटल 1 विकेट मिला और बैटिंग में भी फ्लॉप है, बॉलिंग में भी फ्लॉप है, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको KW टीम का प्लेइंग 11 के साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब SVD टीम का प्लेइंग 11 का साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले एफ अली के बारे में बात करें तो एफ अली इस टीम का कीपर है और ओपनिंग में आएंगे। लास्ट 3 मैचेस में 1945, तीनों मैचेस में देखा था इनका हाई स्कोर है 45 रन। और कसिफ के बारे में बात करें तो एम कसिफ का लास्ट 3 मैचेस में देखा है तो कसिफ का लास्ट 3 मैचेस में देखा है तो 0-78-16। कसिफ को मैं 1 स्टार मार्क दे रहा हूँ, कसिफ को कप्तान उस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लास्ट 3 मैचेस में देखा तो ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं। और अयब के बारे में बात करें, HA अयब ने लास्ट 3 मैचेस में देखा 12-10-30 रन प्लस 3 विकेट। लास्ट 3 मैच इनको टोटल 3 विकेट मिले और बैटिंग में भी इनका हाई स्कोर है 30। और SW शाह के बारे में बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो इनका 21-5-34, लास्ट 3 मैचेस में इनका हाई स्कोर है 34, बैटिंग एवरेज जा रहे हैं, इनको आप कप्तान उस कप्तान में
ट्राई करना चाहते हैं तो अगर आप 6 से 10 ग्रैंड लीग टीम खेलते हैं तो उनको एक दो टीम कप्टन उसका टर्म ट्राई कर सकते हैं। और एम जेविड के बारे में बात करते हैं, एम जेविड का लास्ट 3 मैचेस में देखा था 5 रन 50 रन प्लस 1 विकेट और 1 विकेट। लास्ट 3 मैचेस में जेविड को टोटल 2 विकेट मिला, इनका हाइस्ट 50 रन है, ठीक ठाक है। इनको मैं स्टार में 1 स्टार मार्क दे रहा हूँ इनको मैं। और एम इरफान के बारे में बात की जाए तो इनका लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए इमरान का लास्ट 3 मैच 29 प्लस 2 विकेट 10 रन प्लस 0 विकेट और 2 रन प्लस 0 विकेट। इमरान का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो टोटल इनको 2 विकेट मिला और बैटिंग में भी ठीक ठाक करके आ रहे हैं। और एम एस खान के बारे में बात की थी, लास्ट 3 मैच में 0 रन प्लस 0 विकेट 3 रन प्लस 0 विकेट 4 रन प्लस 0 विकेट। आप एम एस खान को अवॉइड कर सकते हैं, लास्ट 3 मैचेस में फ्लॉप गए हैं। और डब्ल्यू हुसैन के बारे में बात करते हैं, डब्ल्यू हुसैन को लास्ट 3 मैचेस में इनका स्टार्ट देखा जाए तो 2 रन प्लस 3 विकेट 2 विकेट्स 4 रन प्लस 1 विकेट है। लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो हसन को टोटल 5 विकेट्स मिले, कमाल का बॉलिंग करें। और अफगान के बारे में बात करते हैं, अफगान का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 18 रन प्लस 1 विकेट 1 विकेट 6 रन प्लस 1 विकेट। लास्ट 3 मैचेस में खान को टोटल 3 विकेट मिले। और जेट नसीर के बारे में बात करते हैं, लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 2 रन प्लस 1 विकेट 2 रन प्लस 0 विकेट 0 रन प्लस 0 विकेट। मैंने आपको दोनों टीम का प्लेइंग 11 का साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब दोनों टीम का हेड टू हेड के बारे में बात करते हैं, KWN वर्सेस SVD का टोटल अब तक देखा जाए तो टोटल 6 मैचेस खेले। अब दोनों टीम का देखा जाए तो तीन बार दोनों विन करके आ रहे हैं। KWN ने 3 बार विन किए हैं और SVD ने भी 3 बार विन किए हैं दोनों टीम के खिलाफ। और दोनों टीम का मैं हेड टू हेड भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब दोनों टीम का टीम फॉर्म के बारे में बात करें तो KWN का देखा जाए तो लास्ट 5 मैचेस में 4 मैचेस विन करके आ रहे हैं और 1 मैच लॉस होकर आ रहे हैं। और SVD का देखा जाए तो SVD ने लास्ट 5 मैचेस में देखा जाए तो 3 मैचेस में विन करके आ रहे हैं और 2 मैचेस लॉस होकर आ रहे हैं। मैंने दोनों टीम का आपको टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया। अब दोनों टीम का की प्लेयर्स के बारे में बात करें तो KWN के की प्लेयर्स में देखा जाए एम जोएफ खान है, HA खान है और एम एच लुकमैन है और ए विन तनवीर का। ये चारों प्लेयर्स KWN टीम के लिए की प्लेयर्स है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। और SVD के बारे में बात करें तो एम कसीफ हैं और ए शहजाद है, ये एम ए जेविड और डब्ल्यू हुसैन, ये चारों प्लेयर्स SVD टीम के लिए की प्लेयर्स हैं। मैंने दोनों टीम का आपको की प्लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। आप कप्टन वाइस कप्टन के बारे में बात करते हैं, कप्टन वाइस कप्टन किस प्लेयर को आप चूज कर सकते हैं। कप्टन वाइस कप्टन के बारे में बात करें तो एम ए जेविड को आप ट्राई कर सकते हैं, डब्ल्यू हुसैन को, ए शहजादे को और एम जोविद खान को और HA खान को और के विन तनवीर को। पूरा मैंने आपको 6 प्लेयर का नाम बताया, ये 6 प्लेयर को आप कप्टन वाइस कप्टन में चूज कर सकते हैं। और फाइनल टीम के बारे में बात करें तो आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल में, सॉरी मैं आपको फाइनल टीम अभी लाइव में बनाकर दिखाऊंगा, उससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके @SKTFantasy सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इस तरह सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। चलिए मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी आपको बताऊँ, अब फाइनल टीम में चलिए आपको मैं फाइनल टीम लाइव में बनाकर दिखाता हूँ। KWN वर्सेस SVDD का फाइनल टीम में आपको स्वागत है। मैं आपको बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट बॉलर को आपको मैं पिक करूंगा। पहले विकेट कीपर में देखा जाए बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन हैं, लेकिन विकेट कीपर में लोग 2 या 3 विकेट कीपर को लेंगे। एम कसीफ एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन, उनको 100% पिक करो। और एफ अली को पूरा हम लोग 2 विकेट कीपर को पिक किए हैं, दोनों विकेट कीपर इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन से, आप दोनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लें। दोनों विकेट कीपर एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन, हम लोग विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक कर लिए हैं। आप बैट्समैन में देखा जाए बहुत सारे बैट्समैन, हम लोग बैट्समैन में 3 या 4 बैट्समैन को पिक करेंगे। बैट्समैन में देखा जाए तो हम लोग बैट्समैन में पिक कर लेंगे जोएब खान को और ए शहजादे को और हैच हजीमुल्ला खान को, और आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं हजीमुल्ला अयब को। ये भी चारों बैट्समैन इंपॉर्टेंट बैट्समैन से, चारों को 100% पिक कर लेना। ये चारों बैट्समैन इंपॉर्टेंट बैट्समैन से, चारों को 100% पिक कर लेना। अब तक देखा है तो हम लोग टोटल 6 प्लेयर को हम लोग पिक कर लें, 6 प्लेयर बेस्ट प्लेयर्स हैं, आप 6 प्लेयर्स को 100% पिक कर लेना। आप ऑलराउंडर्स में देखा है बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन हम लोग ऑलराउंडर्स में 2 या 3 ऑलराउंडर्स को पिक कर लेंगे, हैच लुकमैन को और मतलब जेविड को पिक कर लेंगे और एम इरफान को हम लोग पूरा 3 ऑलराउंडर्स को पिक कर लिए। ये तीनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है, पे तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लेना। अब बॉलर्स में देखा है तो हम लोग बॉलर्स में के विन तनवीर को पिक कर लेंगे और डब्ल्यू हुसैन को। पूरा हम लोग 2 बॉलर्स को पिक किए, दोनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स है, दोनों बॉलर्स को 100% पिक कर लेना। ये दोनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो हम लोग 2 विकेट कीपर को पिक किए, बैट्समैन में 4 बैट्समैन को और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो हम लोग 3 ऑलराउंडर्स को पिक किए,
पुलिस में दो पुलिस को। अब कप्तान उस कप्तान के बारे में बात करा जाए तो हम लोग कप्तान में बनाएंगे, कप्तान के बारे में बात करें तो हच लुकमैन को हम लोग कप्तान में बनाएंगे और वाइस कप्तान में एम इरफान को। मैं आपको कप्तान वाइस कप्तान का नाम भी बता चुका, आप सेव को मैं टीम को सेव करके रख लेता हूँ, टीम को भी मैंने सेव करके रख लिया, एक बार मेरी टीम को देख लीजिए। मेरे विकेट कीपर में दो विकेट कीपर को पिक एफ अली को और एम कासिफ को, और बैट्समैन देखा जाए चार बैट्समैन अजीबुल्ला खान को और एच हसन अयब को, चोईब खान को और ए शहजादे को, और ऑलराउंडर्स में देखा तीन ऑलराउंडर्स हच लुकमैन एम इरफान और जेविड को, और बॉलर्स में देखा है तो दो बॉलर्स को पिक है केविन तनवीर को और डब्ल्यू हसैन को। मैंने कप्तान में बनाया हूँ लुकमैन को और वाइस कैप्टन में एफ इरफान को। आपको कप्तान वाइस कैप्टन का नाम भी बता चुका हूँ। फाइनल टीम के बारे में बात करें तो आपको फाइनल टीम अभी लाइव में बनाकर दिखा दिया हूँ। अगर एक या दो प्लेयर लाइनअप अनाउंस होने के बाद मिस होता है तो आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आपको मैं बता चुका हूँ पहले, टेलीग्राम में जाकर इस तरह @SKTFantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू। जय हिंद।